हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने से मुतालिक अमरीकी फैसला आज मुतवक्के, दुनिया भर से शदीद रद्द अमल। सदर ट्रंप माजी की अमरीकी पॉलिसी से क्यों हटने पर गौर कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के मेहमान से प्रोग्राम में। और क्या लगते हैं इसकी एक झलक, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। दिल्ली की सबसे बड़ी कच्ची आबादी की खवातीन कैसे बदल रही हैं अपनी किस्मत, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा बैठे। दिमाग की सर्जरी वर्चुअल रियलिटी के जरिए आसान, और परिंदों से दोस्ती करने वाला एक नौजवान। You learn about the different types of just how each species is designed differently. अमेरिका यरूशलम को इसराइल के दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम करता है या नहीं, इस बारे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला आज मुतवक्के है। इसके अलावा सदर अमेरिकी सफारत तकबीब से यरूशलम मुंतकिल करने पर अमेरिकी पॉलिसी भी वाजे करेंगे। सदर ट्रंप के खिताब से पहले ही फलस्तीनी क्यादत ने 3 रोज तक गुस्से के इजहार का ऐलान कर दिया है, जबकि गजा समेत में मुजाहिरों का आगाज हो गया है। नीलोफर मुगल इस वक्त हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नीलोफर, क्या कहना है आलमी बरादरी का और रद्देअमल क्या है दुनिया भर से? जी साकिब, इस मुतवक्को फैसले से मुतालिक मुसलमान और अरब दुनिया से तो मनफी रद्देअमल सामने आ ही रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चीन, जिसका मशरिक वस्ता में बहुत ही कम किरदार रहा है, उसका ये अमरीकी सिफारतखाना तल अबीब से यरूशलम मुंतकिल किया जाता है, तो इससे मुखालफत की एक नई लहर का आगाज होगा। दूसरी जानब रूस का ये कहना है कि इससे इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जो पहले से कशीदा ताल्लुकात हैं वो मजीद ख़राब होंगे, और ईरान का ये कहना है, जो खुद भी सिफारती तौर पर तन्हाई का शिकार है, उसका ये कहना है कि ये इकदाम जो है ये नाअहलियत और नाकामी की निशानी है। मजीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। व्हाइट हाउस ने मंगल के रोज ये बताने से इनकार किया कि सदर ने किया है। मैं सदर के बयान से कबल कुछ नहीं कहना चाहती। उन्होंने आज मुतादिद रहनुमाओं से गुफ्तगू की है और वो मुतालिका स्टेक होल्डर से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आखिरकार सदर वही फैसला करेंगे जो उनके ख्याल में अमेरिका के लिए बेहतर है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के एक तर्जुमान ने कहा है कि सदर ट्रंप ने अमरीकी सिफारत खाने को यरूशलम मुंतकिल करने के इरादे से मुतालिक सदर अब्बास को मंगल के रोज आगाह किया। सदर अब्बास की पोजीशन बहुत वाज़े है, अगर अमरीकी सफारत खाना यरूशलम में मुंतकिल किया गया तो ये बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और ये हमारी तरफ से नाकाबिले कबूल है। फलस्तीनी अमरीकी सिफारत खाने को यरूशलम मुंतकिल करने और इसे इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के खिलाफ हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मशरिकी यरूशलम उनके मुस्तकबिल की रियासत का दारुल हुकूमत बने। अरब लीग ने मंगल के रोज यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के खिलाफ अमरीका को खबरदार किया। तुर्की के सदर और इराकी वजीर आजम ने सदर ट्रंप के सरकारी ऐलान से कबल ही इस इकदाम की मजम्मत की है। इराकी हुकूमत फलस्तीनियों, अरब, मुस्लिम दुनिया और दूसरे हकूक को नजरअंदाज करके किए जाने वाले इस फैसले के खित्ते और दुनिया के इस्तेहकाम पर सरास से खबरदार कर रही है। यरूशलम तमाम मजाहिब और नस्ली ग्रोहों की हम आहंगी की मिसाल है और कोई एक पार्टी इस पर एक तरफा फैसला रखती। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी भी ऐसे इकदाम से मुतालिक तशवीश जाहिर की है जिससे मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफा हो। सेक्रेटरी जनरल हैज सेड दैट ही इज कंसिस्टेंटली वार्न्ड। हमने हमेशा यरूशलम को आखिरी हैसियत के इशू के तौर पर देखा है जो दोनों पार्टियों के दरमियान बातचीत से हल होना चाहिए। मंगल को देर गए व्हाइट हाउस के सीनियर हुकाम ने कहा कि सदर ने ये फैसला हकायक को सामने रखते हुए किया है और वो और फिलिस्तीनियों के दरमियान अमन कायम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि यरूशलम में अमरीकी सिफारत खाना बनाने में कई साल लग सकते हैं। और दूसरी जानब कैथलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी कहा है कि यरूशलम की जो भी हैसियत है
عہدہ کی قراردادوں کے مطابق دیکھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے, کیونکہ یہ وہ مقام, یہ وہ شہر ہے جو کہ مسلمانوں, یہودیوں اور مسیحیوں تینوں کے لیے مقدس لگتا ہے. برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ صدر ٹرمپ مشرق وسطی میں امن کے لیے اپنی جو پالیسی ہے یا جو منصوبہ ہے اس کو واضح کریں. جی ثاقب. اور پاکستان میں بھی سینیٹر راجہ ظفر الحق نے مسلمان ملکوں کی ہنگامی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے, جس بارے میں مزید تفصیلات آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر دیکھ سکتے ہیں. نیلوفر, تھینک یو فار یور اپڈیٹس. یروشلم کے مغربی حصے پر اسرائیل کی عملداری 1949 سے ہے, جبکہ اس وقت مشرقی حصہ اردن کے زیر انتظام تھا. 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد حصہ بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا. تاہم بین الاقوامی برادری یروشلم پر اسرائیل کی یک طرفہ عملداری تسلیم نہیں کرتی, اور 1993 کے اوسلو پیس اکارڈز کے مطابق شہر کے کنٹرول کا فیصلہ امن مذاکرات کے کیا جائے گا. تو صدر ٹرمپ ماضی کی امریکی پالیسیوں سے مختلف راستہ کیوں اپنانا چاہتے ہیں, اس پر ہم مزید بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے اٹلانٹک کاؤنسل میں مشرق وسطی امور کی ماہر میرٹ مبروک سے. میرٹ, ویلکم ٹو ویو 360. تو یونائیٹڈ اسٹیٹس hide in Jerusalem, even though the embassy is in Tel Aviv, but both Republican and Democratic presidents have maintained the status quo in the city and they haven't moved the embassy there. So why would President Trump want to break away from this policy, this tradition? Well, President Trump says that he is reacting to current and historic reality, but the reality appears to be that this was part of his campaign promise. He did make this once when he was campaigning that he would move the embassy. And there are important backers of his that would like to see this done, particularly someone like, for example, like Mr. Sheldon Adelson, who is a what they call a magnate. He's an important businessman. He donated over $25 million to Mr. Trump's campaign. So it plays well with his base, which has many evangelical Christians and supporters of the State of Israel. So, Sadr Trump, Meret Mabrouk, اس لیے یہ اقدام اٹھانے پہ غور کر رہے ہیں کیونکہ ان کی انتخابی مہم کا یہ اہم وعدہ تھا, اور جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے یہ وعدہ بہت اہمیت رکھتا ہے. خاص طور پر انہوں نے نام ایک ایسی شخصیت کا لیا جو جہاں پہ ایک بہت بڑے کسینو اونر ہیں, جوا خانے ہیں, اور ان کے انہوں نے $25 million صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کو دیے تھے. تو ایسے جو بڑے بڑے ڈونرز ہیں ان کے ساتھ جو انتخابی وعدہ کیا گیا تھا, یہ اس کو پورا کرنے کا صدر کے لیے ایک. President Trump has also suggested that this might actually speed up the peace process in the Middle East. Is that possible? No, it's highly unlikely that this is going to speed anything up. It could lead to some quite violent ramifications, and at the very, very least, it is likely to deal an already massively beleaguered peace process a really crippling blow, because essentially what it does is it says the status of Jerusalem has been decided, and of course Israel wants all of Jerusalem as its capital, and the Palestinians want the eastern Jerusalem, which was annexed after the 1967 war by Israel, as their capital. Actually, the rest of the world doesn't recognize Israeli sovereignty over the entire city. Right. So agar Sadr Trump ye faisla karte hain khas taur pe Jerusalem ko tasleem karne ka ke wo Israel ka darul hukumat hai, to usse ek tarah se yaktarfa taur pe hi is shahar جو ہے وہ بدل جائے گا. جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ یروشلم پہ اسرائیل کی یک طرفہ جو عملداری ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے سے مڈل ایسٹ میں جو امن کا عمل ہے وہ سپیڈ اپ ہو سکتا ہے, اس میں تیزی آ سکتی, تو مبروک کہتی ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے, بلکہ اس سے مزید نقصان ہی ہوگا ایک ایسے امن عمل کو جو کئی مشکلات کا شکار ہے. A little bit about regional powers. They have warned about very harsh consequences. But in reality, what can Arab and other Muslim states actually do? And would this move actually constitute a failure of Arab diplomacy and Arab influence on this situation? I don't think it would constitute a failure of Arab influence, because President Trump has been repeatedly advised by his own State Department, of his own Near Eastern Affairs Bureau, that this is not the way to go. So this does appear to be a White House-generated move. It is way too early to tell what could happen. The only thing that you can say is you're likely to see an acceleration process. And I think the most intense ramifications may actually not see, but you may see
an organic development, which is, I think, massive popular and public upheaval, which could reflect very badly on the United States. It could have ramifications for U.S. security. And just to be clear, when you talk about massive upheavals, are you referring to the Arab world, or are you also talking about possible ramifications within the United States? Again, it's difficult to tell, but the awful thing is that violence no longer seems to restrict itself to any one place. Mm-hmm. So it's very possible to see violence both in Palestine and Israel. You'll likely see violence in the region. You could very easily see violence against U.S. तो मबरूक कहते हैं कि अगर ये फैसला हो जाता है कि जेरूसलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लेता है अमेरिका, तो ये अरब सिफारती कोशिशों की नाकामी नहीं होगी, क्योंकि अरब और मुसलमान ममालिक इस मसले के बारे में अमेरिका को वार्न करते आ रहे हैं। खुद अमेरिकी जो वजारत खारजा है वो भी इस फैसले की हिमायत में नहीं है। ये एक खालसतन वाइट हाउस की तरफ से किया जाने वाला फैसला नजर आ रहा है, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में भी इसके सख्त नतीजे सामने आ सकते हैं। और मबरूक ने यह भी बात कही भी रहे हैं कि जो वायलेंट एक्ट्स हैं, जो इंतहा पसंदी का जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, वो किसी एक मुल्क तक तो महदूद रहता नहीं है, तो हो सकता है कि अमेरिका में भी कुछ सख्त नतायज इसके पब्लिक सतह पे सामने आए। मबरूक, आई डू वांट टू आस्क यू दिस, सिंस यू मेंशन्ड दैट द स्टेट डिपार्टमेंट इज नॉट रियली ऑन बोर्ड विद दिस डिसीजन, द ऑलरेडी फेसिंग स्टाफिंग शॉर्टेजेस, कैन अमेरिका अफोर्ड टू टेक ऑन अनदर ह्यूज डिप्लोमेटिक चैलेंज? One would think, but the decision again appears to have been made by the White House, and mm-hmm. President Trump has shown himself to be a president who is independent and has often gone his own way, regardless of others, whether they're his own departments, his own cabinet. So this is only basically going to put more pressure on the State Department, then it just makes life more difficult for them. It's going to make life extremely difficult for the State Department because they have to deal with these. All right. और मेरिट ने यही कहा कि चूंकि ये व्हाइट हाउस की तरफ से आने वाला फैसला लग रहा है, और सदर ट्रंप दीगर मामलात में भी एक अपनी अलहदा जो रास्ता है वो इख्तियार करते नजर आते हैं, इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और स्टेट डिपार्टमेंट यानी जो अमरीकी वजारत खारजा है उसके लिए इससे मजीद मुश्किल भी खड़ी हो सकती हैं। सो मेरिट, वेरी मच फॉर योर टाइम, वी रियली अप्रिशिएट योर इनसाइट। और इस मामले समेत पाकिस्तान नामे से भी जो खबरें हैं और जो तबसरे आ रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां बहुत सी मुनफरद वीडियोस और फीचर्स भी आपके मुंतजर हैं। रावलपिंडी के ट्रेन स्टेशन के एक पुली के शब और रोज की कहानी, और दिल्ली की कच्ची आबादी की खवातीन किस तरह कानून का सहारा लेकर अपनी किस्मत बदल रही है, ये भी आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। और टेक सेगमेंट में भी आज आप देख की सर्जरी की तफसील वर्चुअल रियलिटी के जरिए, लेकिन पहले देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया भर से कुछ और अहम और दिलचस्प खबरें। बरतानवी वजीर आजम थरीसा मे के कत्ल की नाकाम साजिश करने वाले दो मुलजिमान पर फर्ज जुर्म आयद करने के बाद इन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है। 20 साल नईम ज़ुकरिया रहमान और 21 साल मोहम्मद आकिब इमरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बमों से हमला करके थरीसा मे को चाकू के हमले से हलाक करना चाहते थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग के पेश नज़र हुकाम रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत कर रहे हैं, जबकि आग ने हॉलीवुड के घर लॉस एंजलिस शहर के कई इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आग पर काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हाईकोर्ट आज मुल्क में दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद के बतौरमेंट इंतखाब के हवाले से फैसला सुनाएगी। दोहरी शहरियत के खिलाफ मुमकिन फैसले के नतीजे में कई अवामी नुमाइंदों की रुकनियत खत्म होने के बाद हुकूमत को अक्सरियत होने का इम्कान है। अमेरिका ने यमन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस का कहना है कि साबिक यमनी सदर अली अब्दुल्ला सालेह की मौत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुल्क में इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट पैदा हो सकती है, जबकि साथ ही सऊदी अरब और इत्तेहादियों ने यमन में फजाई हमलों में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान और भारत में अवाम की फलाह व बहबूद यकीनी बनाने के लिए बहुत से कानून हैं, लेकिन बेशतर लोग ये नहीं जानते कि इनकी मदद से वो अपना हक कैसे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी कच्ची आबादी की कुछ खवातीन ने एक अहम कानून का इस्तेमाल खुद करना सीखा, और फिर अपने इलाके के लिए साफ पानी, सफाई और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलतें हासिल कर रही हैं। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। सर्दियों की एक धुंध आलूद और सर्द सुबह को पानी के बर्तन भरना मुश्किल काम है, लेकिन सालों से पानी की किल्लत के मसले से
सोचा कि सबसे बड़ी कच्ची आबादी के रहने वाले उस वक्त शुक्र करते हैं जब पानी का टैंकर यहाँ पहुँच इस दूर दराज कच्ची बस्ती के उन 30,000 बासियों में से हैं जिन्हें सन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान शहर की सजावट की गरज से यहाँ मुंतकिल किया गया था। उतनी दूर से हम ला रहे हैं एक लोटा पानी, उसमें आप मांगोगे आए हुए हो तो हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे भी तो बच्चे हैं, हम अपने को पिलाएं आपको दें। ताहम उर्मिला देवी जैसी खवातीन के बुनियादी सहूलियात तक रसाई के अपने कानूनी हक के इस्तेमाल करने के बाद अब इसमें तब्दीली आ चुकी है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दरखास्तें दायर करने के दौरान उन्हें इल्म हुआ कि पानी के जो टैंकर्स उनके इलाके में आने चाहिए थे वो कहीं और जा रहे थे। तब हुकूमती अफसरान ने टैंकर्स में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए ताकि पता चलाया जा सके कि टैंकर्स कहां जाते हैं। इस कोशिश में कामयाबी हासिल होने के बाद इन खवातीन में अपने दूसरे मसाइल हल करने की भी हिम्मत जागी और उन्होंने हेल्थ सेंटर्स, टॉयलेट्स और बसों की भी डिमांड की। लेकिन इन कम पढ़ी लिखी खवातीन के लिए कागजी कार्रवाई आसान नहीं थी। थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा लिखते थे तो फिर टेढ़ा बेढ़ा लिखते लिखते फिर अच्छा भी लिखने लगे। हमारी लड़कियां हैं और युवा बच्चे जो जुड़े हुए हैं हर श्रृंगार से वो लिखते थे। इन्हें एक गैर मुनाफा बख्श इदारे मार्क की मदद से दरखास्त दायर करने और सरकारी अफसरों से राब्ता करने का तरीका सीखा। इस इदारे के सरबराह मोहम्मद नूर आलम का कहना है कि ये खवातीन बहुत पुरजोश थी क्योंकि बुनियादी जरूरियात की कमी से सबसे ज्यादा मुतासर भी थी। पानी एक ऐसा मुद्दा था जिसको सॉल्यूट करना था तो लोगों को लगा कि अधिकार को आपको अचीव करने के लिए जो पहले एक जगह पे कम से कम अपने को प्रूफ करो, सीखो कि भाई हम कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते बदलाव, और बदलाव किया महिलाओं ने। ये एक सुस्त और बतदरीज वाकई होने वाला अमल था जिससे इन खवातीन में अपनी बस्ती की हालत सुधारने का अजय नजरा खातून जैसी खवातीन अब दूसरे मसाइल जैसे खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए भी कोशिशें कर रही हैं। हम लोग एक घरेलू है जो हम लोगों का मार धार है और तो मैं घर में मियां बीवियों में है तो हमें कहते हैं इस शांति हो जाए। ये हॉक्स की तरह नजर रखती है चीजों को कि वही कहाँ पे क्या हो रहा है। होलिस्टिकली देखें तो ये पूरे समाज के लिए बदलाव का एक प्रक्रिया है हरसिंगा। और अपनी बस्ती की हालत सुधारने का ये मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। इन खवातीन के यही मुतालबात अब कर इस आबादी की तंग गलियों में गूंज रहे हैं। अंजना पसरीचा के साथ सहर माजिद, उर्दू वीओए। सारा दिमाग की सर्जरी का सुनकर लोग आमतौर पर परेशान हो जाते हैं क्योंकि दिमाग एक पेचीदा और नाजुक हिस्सा है जिस्म का। बात तो समझ में आती है लेकिन अगर ऑपरेशन से पहले हम खुद ये देख सकें कि हमारे दिमाग के अंदर कैसे और कहां सर्जरी की जाएगी तो शायद हमारी कम हो जाए। ये होगा कैसे देखते हैं इस हफ्ते के टेक सेगमेंट में। फेलिशिया लूना को फख्र है कि वो अपने घर को हर वक्त साफ सुथरा रखती है, उस दिन भी जब अगले रोज उनकी ब्रेन सर्जरी है। इसलिए है क्योंकि वो वर्चुअल रियलिटी की मदद से अपने दिमाग के अंदर झांक चुकी हैं। लूना को अब बखूबी अंदाजा हो चुका है कि उनके डॉक्टर उनके एनुरिज्म या दिमाग के अंदर फूली हुई शरियान को कहां से काटकर उसका फैलाव रोकेंगे। पहले तो मेरा अब मुझे बिल्कुल पता है कि क्या हो रहा है और क्यों। और उनके डॉक्टर को भी। ऑपरेशन से एक दिन पहले उनके डॉक्टर गैरी स्टाइन पर मुस्तकबिल के डॉक्टर्स की तरबियत के लिए लूना के केस का जायजा लेते हैं। लूना के दिमाग में ये डॉक्टर एक एविटार की शक्ल में काम करते हुए देखे जा सकते हैं। डॉक्टर स्टाइनबर्ग उन्हें ऑपरेशन के लिए अपने हिकमत अमली समझाते हुए लूना के दिमाग के सफर पर उनकी है। So now we're going to go through into the craniotomy site. और 360 डिग्री पर मरीज के दिमाग का सफर करते हुए खुद डॉक्टर स्टाइनबर्ग के लिए भी एक रिहर्सल है। So we can see the back. हम इस बीमार शरीयान के आगे पीछे देख सकते हैं, बड़ी शरीयान से इसका पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे। अगले दिन ऑपरेशन थिएटर में मॉनिटर्स पर असल सर्जरी के यही 3D मनाजिर देखे जा सकते हैं। ये मनाजिर शरीयानों में खास स्याही के इस्तेमाल के जरिए तख्लीक किए जाते हैं। So I'm looking at the aneurysm. डॉक्टर स्टाइनबर्ग हर हफ्ते में इस तरह की एक से दो सर्जरीज करते हैं और कहते हैं मुस्तकबिल में शायद उन्हें ऑपरेशन थिएटर में जाने की जरूरत भी ना पड़े और वो रोबोट्स के जरिए कहीं से भी ऑपरेशन कर सकेंगे।
लेकिन फिलहाल ऐसा नामुमकिन नजर आता है। लेकिन वर्चुअल रियलिटी के जरिए ऑपरेशन अब एक हकीकत जरूर बन चुके हैं। इस वक्त सिलिकॉन वैली में कायम इस स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल में दिमाग और रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन वर्चुअल रियलिटी की मदद से किए जा रहे हैं, जिनमें कोई इजाफी खर्चा नहीं, क्योंकि अतियात और डिपार्टमेंट इजाफी खर्च बर्दाश्त करते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जितने ऑपरेशन पेचीदा होते हैं उतना ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। लूना की सर्जरी कामयाब रही और क्यों ना होती, डॉक्टर स्टाइनबर्ग इसकी वर्चुअली कई मरतबा प्रैक्टिस जो कर चुके थे। कैलिफोर्निया से कैरोलाइन प्रिसूटी की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू वीओए। वर्चुअल रियलिटी ने आसान तो बना दी लेकिन बल्कि मेरे और सवाल ज्यादा हो गए हैं। I'm sure थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड लगी सिचुएशन। चलें आखिर में कुछ बात करते हैं कुदरत की। परिंदों को दाना दुनका डालना अच्छा काम तो है ही, लेकिन रंग बिरंगे परिंदों का नजारा और उनकी चहचहाट भी। बिल्कुल सारा, और यही वजह है कि अमेरिका में बहुत से लोगों के लिए ये मशगला भी बन चुका है और इससे मुकामी परिंदों को भी फायदा हो रहा है। आइए देखते हैं। सुमनर आस्कर ने परिंदों को खाना खिलाना कई साल पहले उस वक्त शुरू किया था जब वो कॉलेज में थे। मैंने ऑर्निथियोलॉजी की क्लास ली जिसमें परिंदों का मुतालिया किया जाता है। फिर मुझे इसका शौक हो गया। पहले मैंने सिर्फ एक फीडर लिया जिसे मैंने घर के बाहर अपनी खिड़की के सामने 30 फुट दरख्त पर चढ़कर लटकाया। इसके जरिए मैंने बहुत जबरदस्त चीजें देखी और बस मैं इसे जारी रखना चाहता था। फिर आस्किन के पास बहुत से परिंदे आने लगे, शुमाली इलाकों के कार्डिनल्स, हुदहुद, फाख्ताएं और हमिंगबर्ड जैसे, जिन्हें देखकर आस्किन को बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सीखते हैं कि कैसे मुख्तलिफ नस्लों के परिंदे मुख्तलिफ होते हैं, जैसे उनके पाँव बहुत मुख्तलिफ होते हैं जिसके बायस वो चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से पकड़ते हैं। आस्किन मखसूस परिंदों के लिए मुख्तलिफ अकसाम के फीडर्स का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर परिंदे जैसे एक छोटी चिड़िया हुदहुद ही की मानिंद दरख्त के साथ पैर जमाकर खड़े हो सकते हैं। आस्किन इस मकसद के लिए तकरीबन $100 महीने का खर्चा करते हैं। परिंदों के लिए दाना लेने के लिए वो वाइल्ड बर्ड अनलिमिटेड नामी इस स्टोर पर आते हैं। माइकल जैकर पिछले 26 साल से ये स्टोर चला रहे हैं और उनका कहना है कि तकरीबन 5.5 करोड़ अमरीकी इस मशगले का शौक रखते हैं। सबसे और फिर परिंदों को दाना डालना, ये दोनों मशगले एक दूसरे से ताल्लुक भी रखते हैं। परिंदों के लिए जो खाना हम फ्राहम करते हैं वो 100% खुराक है और इससे आपके सेहन में कोई गंद नहीं मचता। एक हफ्ते में हम 200 बोरियां या 2 टन दाना बेचते हैं। इस मशगले को इसलिए पसंद करते हैं कि ये एक सुकून बख्श और जज्बाती तजुर्बा होता है। इसी मशगले के शौकीन पॉल फ्रांसिस की माइकल की बात से इत्तेफाक करते हैं। अगर आप खामोशी से बैठ जाएं, तो परिंदे आपके बहुत करीब आ जाते हैं। आप इन्हें तंग ना करें तो आप इन्हें देख सकते हैं, उनकी चोंचों में दबे खाने को भी। ये बहुत दिलचस्प मंजर होता है। और कुछ शौकीन खाना खिलाने के साथ परिंदों की गिनती करने का भी शौक रखते हैं। इस गिनती ई बर्ड अकाउंट नामी एक कंप्यूटर डेटाबेस में डाल दिया जाता है जिससे परिंदों की मुख्तलिफ नस्लों की सेहत और हिजरत के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाती है। और इस खाने के बदले ये अनवाओ अकसाम के परिंदे लाखों अमरीकियों के घरों में और जिंदगी में खूबसूरती, रंग और मौसीकी बखेरते हैं। आज के लिए बस इतना ही। व्यू 360 के बारे में अपनी फीडबैक आप हमें दे सकते हैं com/voaurdu पर। सारा जमान और साकिबुल इस्लाम को इजाजत दीजिए और जाते जाते देखिए क्रिसमस के लिए न्यूयॉर्क में दुकानों की खिड़कियों में सजाए गए कुछ खूबसूरत मनाज़िर।